बच्चों में जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो अक्सर लो एनर्जी फ्रैक्चर होते हैं, मतलब कि मैं फ्रैक्चर्स की जो एटियोलॉजी है उसको दो भागों में विभाजित करूं तो हाई एनर्जी फ्रैक्चर जैसे कि जो बहुत रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुए हैं या बहुत ऊंचाई से गिर के हुए हैं, और लो एनर्जी फ्रैक्चर जो जैसे घर में खेलते हुए गिर गए उससे हुए हैं या खेल कूद के दौरान लगने वाली चोट से हुए हैं। तो बच्चों में जो अक्सर फ्रैक्चर्स होते हैं वो लो एनर्जी फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, कोई बच्चा गिर गया और फ्रैक्चर हो गया। इन फ्रैक्चर्स का जो ट्रीटमेंट है, बच्चों में होने वाली जो फ्रैक्चर्स है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हेयरलाइन या यूनिकॉर्टिकल फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब कि हड्डी पूरी तरह ब्रेक नहीं होती है, बट हड्डी, सपोज कि ये हड्डी है तो ये इस तरह से पूरी टूटती नहीं है, ये मुड़ जाती है। इसका एक जो हिस्सा है वो ब्रेक होता है, दूसरा हिस्सा इंटैक्ट रहता है और हड्डी मुड़ जाती है, इसी को यूनिकॉर्टिकल या हेयरलाइन फ्रैक्चर कहते हैं। बच्चों में होने वाले जो अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। अब इस तरह के फ्रैक्चर्स में क्या करना चाहिए? इस तरह के फ्रैक्चर्स का जो ट्रीटमेंट है वो होता है 3 से 4 हफ्ते का प्लास्टर, और उसके बाद प्लास्टर हटने के बाद अगले दिन से ही या सेम डे से हम जो भी जोड़ है उसके मूवमेंट शुरू करें। सपोज कि यहाँ का फ्रैक्चर हो गया है हाथ का, तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, 3 से 4 हफ्ते का प्लास्टर चढ़ता है, और जब प्लास्टर उतरेगा उसके तुरंत बाद आप ये इससे जो रिलेटेड जोड़ है, ये नीचे वाला जोड़ और ये ऊपर वाला जोड़, इन जोड़ों के जो मूवमेंट्स हैं वो शुरू कर दीजिए ताकि ये स्टिफ नहीं हो। मूवमेंट पूरे आने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, मतलब 2 महीने में आपका प्लास्टर भी निकल जाता है। प्लास्टर तो 1 महीने में निकल गया, अगले 1 महीने में उसके मूवमेंट्स पूरे आ गए और आपका हाथ नॉर्मल वापस हो जाएगा। अब मेरे से एक सवाल अक्सर पूछते हैं लोग कि हड्डी, बच्चों के अंदर जो फ्रैक्चर हुआ उसमें हड्डी जुड़ कब जाती है वापस? उनका जो पूछने का तात्पर्य है वो ये होता है कि बच्चा वापस से कब खेल कूद सकता है, कब पूरा वजन उठा सकता है। तो इसका मैं आंसर ये करूंगा कि यदि बच्चा बहुत छोटा है, जो कि जैसे कि 3 या 4 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डी पूरी तरह से जुड़ जाती है 1 महीने के अंदर, और जो बच्चे बड़े हैं जैसे 5 से 10 साल तक के बच्चे हैं उनके अंदर हड्डी जुड़ना शुरू हो जाती है 1 महीने में, लेकिन कंसोलिडेट सॉलिड होने में और कुछ समय लगता है। तो लगभग 2 से 3 महीने तक आप समय मान के चलिए, इसके बाद वो वापस खेल कूद सकते हैं, वापस वजन उठा सकते हैं, अपने सारे काम वापस कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि बच्चों में होने वाले जो 90% फ्रैक्चर्स है या उससे भी ज्यादा जो फ्रैक्चर्स हैं वो प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। वो कौन से फ्रैक्चर्स होते हैं? बच्चों में कोहनी का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, खेलते हुए आप कोहनी के बल बच्चे गिर जाते हैं, और कोहनी एक जॉइंट है, इसके अंदर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो गया, मतलब जॉइंट से जो फ्रैक्चर हो जाता है, जॉइंट टूट जाता है। तो इसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जॉइंट का वापस जो शेप है वो उसे पूरी तरह बनाया जाए और उसे फिक्स किया जाए, क्योंकि यदि जॉइंट खराब हो गया है या ये टेढ़ा जुड़ा तो आगे जाके हाथ टेढ़ा हो सकता है या हाथ की ग्रोथ पूरी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ फ्रैक्चर्स में से जहां सर्जरी की जरूरत पड़ती है बच्चों में, उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन फ्रैक्चर है वो है कोहनी का। तो कोहनी के फ्रैक्चर्स में बिल्कुल हो सकता है कि डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह दे। अक्सर जो दूसरा कॉमन फ्रैक्चर है बच्चों में वो होता है हसली या क्लैविकल, कंधे की जो हड्डी होती है उसका फ्रैक्चर, बच्चे गिर जाते हैं और हड्डी ये टूट जाती है। इस तरह के फ्रैक्चर में कभी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, और नियर 100% जो फ्रैक्चर्स हैं वो बिना सर्जरी के जुड़ जाते हैं। इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें तो किसी ट्रीटमेंट की ही जरूरत नहीं पड़ती है, ये टूटती है और ये जो क्लैविकल है ये अपने आप वापस जुड़ जाती है। जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं, जैसे कि 3 साल या 5 साल से 10 साल के बीच के बच्चे हैं, उनके अंदर सिंपल एक एल्बो पाउच या आर्म पाउच स्लिंग की जरूरत होती है, और 1 महीने में ये क्लेविकल वापस अपने आप जुड़ना शुरू कर देता है। तो क्लेविकल का फ्रैक्चर एक कॉमन फ्रैक्चर है, लेकिन याद रखें इसमें सर्जरी की जरूरत 99% केसेस में नहीं पड़ती है। दूसरा एल्बो का फ्रैक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तीसरे जो कॉमन फ्रैक्चर्स हैं, हाथ के और पांव के फ्रैक्चर्स होते हैं बच्चों के अंदर, इनके अंदर मैक्सिमम केसेस में ये प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं। प्लास्टर को आप 3 से 4 हफ्ते में हटा दीजिए और उसके बाद मूवमेंट शुरू करिए। बच्चों में यदि
फ्रैक्चर हो गया और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें वो जो फ्रैक्चर हुआ है उसका एक्सरे भेजिए और आपका जो भी क्वेरी है वो लिख दीजिए, हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।